वसीम बादामी साहब, कितनी इफेक्टिव हो पाएगी ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो ईद उल अजहा के बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जिसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है, 3 दिन के टॉक शोज, 1 दिन की हेडलाइन, 4 घंटे के टिकर्स, इस हद तक ये इफेक्टिव रहेगी, लेकिन इसका अमली सियासत में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इससे ज्यादा पहले ही वो सब कुछ कर चुके हैं। यानी अब जो भी अपोजिशन करने जा रही है, मेरे ख्याल में वो इससे ज्यादा नहीं होगा जो पहले कर चुके हैं। यानी कि एक एपीसी, फिर उसके बाद एक मार्च, फिर मौलाना साहब का आ जाना, फिर इस्लामाबाद में बैठ जाना, फिर उसके बाद चले जाना। जब उस सब वो सब मश्क जब ला हासिल रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मश्क अपोजिशन को करना जरूरी है अपनी सियासत को अलाइव रखने के लिए। लेकिन बहुत सारी रीजन, जो कि अगर आप पूछेंगे तो बाद में अर्ज कर दूंगा, ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी ये इसका जुस वक्ती असर तो रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली ले आए, डेवलपमेंट, ये एपीसी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जलसा जुलूस, आई डोंट सी इट हैपनिंग। के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो शोशे छोड़ते रहते हैं, असल जो इश्यूज़ हैं, अब सिर्फ उस्मान बुज़दार को होना चाहिए ही नहीं होना चाहिए, इकॉनमी का क्या होगा, डॉलर 168 पे था, आज 170 की तरफ चला गया, हम लोग रोज़ बैठे बैठे गरीब होते चले जा रहे हैं इस मुल्क में, किसी काम जोगे हम नहीं रहे, उन तमाम इशू से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। आपको लगता है कि ये सीरियस इशू है, इस पर अपोजिशन कैपिटलाइज कर पाएगी, बस ये ऐसे ही 4 दिन का चांदनी और फिर अंधेरी रात? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में तो ये 4 दिन में नहीं है, तो 2 दिन का मामला है। अगर परसों कल कोई बड़ी खबर आ जाए तो ये मामला दब जाएगा। और मेरी तो खैर अपनी राय भी इस पर उतनी सख्त नहीं है जितनी हमारे शाह साहब की है, लेकिन खुद यानी देखिए, ये ऐन इंसाफ का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ को उसको उसके अपने बयानात की तनाजुर और उसकी रोशनी में तोला जाए और कहा जाए कि आप वो तो करिए जो आप ही कहते थे। मतलब ये तो नहीं होता कि तहरीक इंसाफ आई इस बुनियाद पर कि देखो यार वो चोर है, वो डकैत है, हम अच्छे थे, हमें ले आओ, और जब वो आ गए उस पर तनकीद तो वो कहे इसने भी तो ये किया था और उसने भी तो ये किया था। भाई आप तो आए ही इस बुनियाद पर है कि हम ये करेंगे। तो इमरान खान साहब तो शदीद तरीन मुखालिफ थे इस बात के कि जनाब जिसकी ड्यूअल नेशनलिटी होती है उसको काबीना में नहीं होना चाहिए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो लीगली स्पीकिंग तो कोई गलत काम नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान साहब तो आईन और कानून से बाला तर होकर और हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे ना। तो खुद इमरान खान साहब के, मेरी राय से अलग है, लेकिन इमरान खान साहब के अपने बयान की रोशनी में तो अब किसी भी ड्यूअल नेशनल होल्डर को या किसी के पास अगर पीआर भी है कि दूसरे मुल्क की, तो उसको तो काबीना में बाय इनविटेशन ही सही उसको तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ा क्लियर था मामला इस हवाले से। जिस अकामे पर वो इतने ज्यादा मुखालिफ है, हालांकि अकामा तो एक्सपायर हो जाता है एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, 3 साल के बाद, जब वो अकामे की बुनियाद पर इतनी लानतान करते हैं साबिक वजीर दिफा को, साबिक वजीर आजम को, तो फिर डोरी नेशनल वाला क्यों उनके साथ बैठा है? सिर्फ इसलिए कि लीगली अलाउ है, लीगली तो अलाउ है लेकिन एथिकली इमरान खान साहब के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात यहाँ तक पहुंची कि कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो अलाउड है, लेकिन मुझे इस आर्गुमेंट में एक बड़ी नैरोनेस महसूस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे यकीन है कि अक्सरियत का यही ख्याल होगा। वसीम बादामी साहब, जो मज़हर ने, असल में इरशाद साहब मेरा आर्गुमेंट क्वेश्चन नहीं समझ सके, मज़हर अब्बास ने एक नैरो डेफिनेशन दे दी है कि चूंकि 2 एम्बेसडर ऐसे गुजरे जिनकी वफादारियों पर शक रहा, मेरा ख्याल उसमें से एक ही ज़्यादा मशहूर है, दूसरे पर तो खैर इशू है भी नहीं है, तो इस वजह से जो डुअल नेशनल होता है वो मुल्क के स्टेट इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमने देखा कि स्टेट इंटरेस्ट को तो बड़े बड़े ब्लू आइट जो शहरी हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने बहुत कुछ किया है गुज़िश्ता 10-15 बरस में, तो ये आर्गुमेंट तो मुझे लगता है थोड़ा कमज़ोर है। वो बात सही है कि इमरान खान जब खुद कहते थे तो फिर क्यों लगाया, वो तो ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये गद्दारी वाला जो एलिमेंट है ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ देखिए, एक तो आई एम श्योर मदर साहब का भी आई डोंट थिंक कि ये राय होगी कि जनाब गद्दारी, क्योंकि जाहिर हम सब लोग जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, आप उनके सामने पाकिस्तान का जिक्र करें, नाम ले तो उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक मुस्कुराहट होती है, वो पाकिस्तान से बड़ा ऑफकोर्स एक उनकी बड़ी एफिलिएशन होती है। और ऑफकोर्स अगर करप्शन नहीं, गद्दारी वाला मामला भी, उसके लिए भी कोई डुअल नेशनल होना जरूरी थोड़ी है, अंदर से कोई मीर जाफर मीर साथी दस निकल आएंगे इस तरह, तो अगर पता नहीं कौन कौन किस किस से क्या मिला हुआ, तो उसके लिए कोई ये शर्त तो जरूरी नहीं कि जनाब कोई ड्यूअल नेशनल। बिल्कुल सही, मीर जाफर के पास कौन सी सिटीजनशिप थी? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह अगर किसी ने करप्शन नहीं गद्दारी भी करनी है तो वो ड्यूअल नेशनल हुए बगैर भी ये काम कर सकता है। जाहिर है बहुत एक अलग मौजूद है कि हम तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के सब खिलाफ है जब तक कि बड़ा वादा सबूत ना हो किसी के खिलाफ, लेकिन ये तो कोई भी काम ही कर सकता है। हाँ, ये काम होना क्यों चाहिए, उसी वजह से जिस हमने कहा खुद इमरान खान साहब की बात कहते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के आईन में बाकायदा एक तरीके का दर्ज कर दिया गया है कि कोई बंदा बजरिया ऐवान काबीना तक नहीं पहुंच सकता अगर ड्यूअल नेशनल है,
तो भाई फिर बजरिया स्पेशल इन्विटेशन काबीना तक क्यों पहुंच सकता है ड्यूल इलेक्शन को, तो या तो उसको खत्म कर दें। ये बड़ी अजीब सी एक तफरीक है कि आप अवामी नुमाइंदा अवाम के पास भी जाए, सवाल के भी जवाब दे, अवाम की भी गालियां खाए, उसके पास इलेक्ट सारों करे, लेकिन अगर कोई स्पेशल एडवाइजर है वो ना साझे जाहिर करे ना कुछ करे, बजरिया काबीना ड्यूल इलेक्शन होते हुए पहुंच जाए। इस वजह से इस तफरीक को मैं समझता हूँ कि खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी वफादार ही नहीं हो सकते जो रहते हैं जिनके पास पाकिस्तान से बाहर की डुअल सिटीजनशिप है, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना जरूरी है, वरना बड़ा अहमकाना सा आर्गुमेंट यहाँ टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे। इसको फाइन ट्यून करना बड़ा जरूरी है कि कैबिनेट में एंट्री तो फिर भी मुझे बताएं कि अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट होगा और उसका कोई जो अमेरिकन सिटीजन नहीं होगा वो एडवाइजर भी नहीं हो सकता फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, हेल्थ साइंसेस का, फिजिक्स का। मोहित पहली चीज ये कि ये अहमकाना आर्गुमेंट नहीं है, दूसरी बात यह कि नैरो नहीं है, एक बुनियादी चीज है। आपने ये कहा कि जी वो तो गद्दार तो पाकिस्तानी शहरी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो पकड़ में आ सकता है। जो ड्यूल नेशनल होता है उसको पकड़ना मुश्किल होता है आपके लिए, उसके वो अगर यहां से आपके सीक्रेट्स ले गया तो वो फिर तो सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, मजहर वो जो बाहर उसके लिए मसला नहीं है, बाप बेटे वगैरह सारे वो तो रूल सिटीजन नहीं है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सारे पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, सारे पाकिस्तानी एडवाइजर्स नहीं होते, सारे पाकिस्तानी स्पेशल असिस्टेंट नहीं होते, आपने क्या बिगाड़ लिया ड्यूअल नेशनल हमारी आर्गुमेंट दे दी, वो तो ड्यूअल नेशनल का फायदा उठा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए आप सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को लाना आसान होगा, हुसैन नवाज को लाना मुश्किल होगा। कैसे लाएंगे आप ला सकते हैं ना, क्यों नहीं ला सकते नवाज शरीफ को, इंटरपोल के जरिए नहीं ला सकते, इंटरपोल के जरिए आप वो नहीं कर सकते। नहीं ये देखिए आम आदमी को ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों इन्वॉल्व करें, हर ओवरसीज पाकिस्तानी तो स्पेशल असिस्टेंट नहीं है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी तो नहीं बन सकता। ये जो चीज आप अपनी पार्लियामेंट पे लागू कर रहे हैं वो चीज आप स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर पे क्यों नहीं लागू कर रहे। डॉक्टर साहब एक बात, अयूब खान के दौर से आज तक, इरशाद साहब योर लास्ट वर्ड, अयूब खान के दौर से आज तक जितने भी ड्यूअल नेशनल यहाँ आए, शुएब कुरैशी को से शुरू कर दें और जो वज़ीर आज़म हमारे कुरैशी साहब बने थे उनको ले लें, जो भी यहाँ आए जिस दिन उनकी हुकूमत मोइन कुरैशी जिस दिन उनका ओहदा ख़त्म हुआ उन्हें ब्रीफ के उठाया और जाके अमेरिका सेटल हो गए या बर्तानिया सेटल हो गए, इसका मतलब ये है कि उनका पाकिस्तान के मफाद से कभी भी ताल्लुक नहीं रहा। के बारे में भी ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि उनको ECL में डाल दें, किसके बारे में मजर, गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख के बारे में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में डिमांड किया है कि उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दें, बिकॉज वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे सूट केस लेके। नहीं अगर जुर्म उन्होंने किया है तो जरूर डाल दें, अगर ऐसे तो नहीं उनके कहने पर ख्वाहिश पे तो नहीं डाला जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने जो पहले रेटरिक अपना बनाया हुआ था वो बहुत सी चीज़ों में गलत साबित हो गया है। फौरन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया अपने आप को भी और पाकिस्तान को भी और तमाम लोगों के जहनों को जो नुकसान पहुंचा वो ये कि 10 साल से इस मुल्क में ये रेटरिक बनाया गया, और ये खाली इमरान खान अकेले नहीं है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने रेटरिक बनाया, अभी भी लोग समझते हैं कि करप्शन जो है उस वजह से यहाँ तरक्की नहीं हो रही चूँकि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, चूँकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, वरना अगर मैं पॉलिटिशियन हूँगा तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के स्कूल में, पाकिस्तान के कॉलेज में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या असर हाजर में जिस किस्म की क्रिएटिविटी कौमों में पाई जाती है उसके मुकाबले में ये क्रिएटिविटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन ये इशू कहना चूँकि मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर यह कि अगर आप करप्शन का खात्मा कर दें, इसी तरह ये कि ड्यूअल नेशनल होने की वजह से लोग गद्दार हैं, और अगर कोई दो एम्बेसडर ऐसे थे वो खाली ड्यूअल नेशनल का मसला तो नहीं होगा ना, वहां तो मसला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, आइडियाज होंगे, ये सब चीजें भी तो इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्टर साहब बात यह है कि बुनियादी चीज़ ये जो करप्शन वाली आपने बात की, अयूब खान के दौर में जो आपका मुल्क तरक्की कर रहा था तो उस वक्त आपके यहाँ क्रिएटिविटी थी, आपकी कौम ज़्यादा ज़हीन थी, अब डल हो गई है, आप बेवकूफ़ हो गई है, ऐसी बात नहीं है, ये बात फैक्ट है कि करप्शन ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है
और करप्शन की वजह से जो फिर सिस्टम ख़राब हुआ, आपके जो क्रिएटिविटी वाले लोग थे वो मुल्क छोड़ के चले गए, ज़हीन लोगों ने मुल्क छोड़ दिया। करप्शन की वजह ये जी नहीं, नहीं लेकिन सिर्फ करप्शन इसकी वजह है या तालीम का निज़ाम बड़ा बेकार किस्म का है, तालीम के निज़ाम में जान नहीं है, उसमें कोई नॉलेजेस नहीं है, मॉडर्न साइंसेज नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, करप्शन कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते।